एक सवाल किसी ने पूछा है, आजकल सच्चे प्रेम की कोई वैल्यू ही नहीं है, और जो इंसान सच्चा प्रेम करता है उससे ही सबसे ज्यादा पेन सहना पड़ता है, उससे ही सबसे ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। और आपने भी अपनी स्पीच में बताया कि आप चाहे किसी से कितना भी सच्चा प्रेम करें, पर जरूरी नहीं कि वो चीज आपको मिले। फिर सच्चे प्यार का मतलब ही क्या हुआ, जब इतना दर्द ही सहना है, जब इतना हर्ट ही होना है, तो आप बताएं ऐसे समय में किसी से सच्चा प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब सच्चे प्यार का कोई मतलब ही ना हो, जब सच्चे प्यार करने का कोई फायदा ही ना हो। सबसे पहली बात, प्यार कभी फायदा और नुकसान देख के नहीं होता है, प्यार तो बस हो जाता है। किसी में हजार कमियां हो तो भी उससे प्यार हो जाता है, और कभी कभी किसी में हजार अच्छाइयां हो तो भी उससे प्यार नहीं होता। बहुत अजीब चीज होती है यह प्यार। कहते हैं ना, प्रेमी, पागल और पोएट, तीनों का ब्लड ग्रुप एक जैसा होता है। इसमें आपकी प्रैक्टिकल दुनिया का मैथ्स लगता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। प्यार तो भाव की दुनिया है, इमोशंस का वर्ल्ड है, यहाँ पे प्रैक्टिकल दुनिया के फंडे चलते ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हैं बस वो चीज हो जाती है, और सच तो यह है आपको खुद को भी इसका पता बाद में ही चलता है। तो पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि प्यार फायदा और नुकसान देख के नहीं होता है। और दूसरी बात, हाँ ये बात सच है, आप किसी से सच्चा प्रेम करें, पर इसके बदले ये गारंटी नहीं है कि वो इंसान आपको मिले ही मिले, क्योंकि प्यार की यही तो परीक्षा है कि उसमें कोई शर्त ही नहीं होती। वो कुछ नहीं देखता, ना अच्छा ना बुरा, ना सही ना गलत। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्रेम अकल से होता ही नहीं है, वो तो हृदय का भाव है। जो इंसान नफा नुकसान देखता है वो कभी कैसे प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम तो ऐसी चीज है जहां इंसान खुद ही मिट जाता है, जहां इंसान खुद को पूरी तरह से लुटा देता है। तो इसमें फायदा और नुकसान नहीं देखा जा सकता। सच्चे प्रेम में दर्द नहीं मिलता, हमेशा झूठे प्रेम में दर्द मिलता है। आपको आपका सच्चा प्रेम दर्द नहीं देता है, आपको किसी और का झूठा प्रेम दर्द देता है, आपको किसी और के झूठे वादे दर्द देते हैं, आपको किसी और की झूठी बातें दर्द देती हैं। आपका सच्चा प्रेम दर्द नहीं दे रहा, आपका सच्चा प्रेम वो अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है, कुछ सपने देख लेता है। पर जब आपको पता चलता है कि आपकी मंजिल वो इंसान है और उस इंसान की मंजिल आप नहीं हो, कुछ और है, तब आपको दर्द होता है। सच्चे प्रेम में दर्द नहीं होता है, हमेशा झूठे प्रेम को सच्चा मान लेने पे दर्द होता है। और मैं आपको सच्चे प्रेम का एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट बताता हूँ, जहाँ सच है वहाँ परमात्मा है, वहाँ कुदरत आपका साथ देती है। जहाँ आप किसी पे विश्वास करके सारी दुनिया छोड़ने को तैयार हो जाते हो, जहाँ आप किसी की वफा की उम्मीद करके आप अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हो, सब कुछ मिटाने को तैयार हो जाते हो, वहाँ आपको कुदरत दिखाती है कि देख जिसे तूने अपना भगवान मान लिया उसकी सच्चाई क्या है, कि देख जिसे तूने अपना खुदा मान लिया उसकी असली सच्चाई क्या है। और रिश्ता टूटने के बाद आपको उसके सारे झूठ समझ में आते हैं, उसने आपको कितना हर्ट किया है वो धीरे धीरे आपको सब समझ में आता है। सच्चे प्यार की ताकत की वजह से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उस इंसान ने आपकी कभी वैल्यू नहीं की, उस इंसान के मन में पहले से ही था कि वो आपका साथ लंबे समय तक नहीं देगा, कि उस इंसान ने पहले से ही ठान लिया था वो कुछ दिनों के लिए बस आपके साथ मजे कर ले। देखो, झूठ और झूठ आसानी से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, सच और सच आसानी से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, पर सच और झूठ एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। सच्चे प्रेम में पता है क्या होता है, आपको वो कुदरत, वो परमात्मा बार बार इशारे देते हैं कि वो सामने वाला इंसान कैसा है। सच्चे प्रेम की यही सबसे बड़ी ताकत है कि जिसे आप जी जान से प्यार करते हैं, जिस पे आप अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं, वो इंसान सच में कैसा है, उसकी सच्चाई आपको कुदरत कैसे भी करके जरूर दिखाती है। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से ही आवाजें आने लग जाती हैं, आपको अपने इंट्यूशन से बता देते हैं कि वो इंसान आपके साथ सच्चा नहीं है,
और दूसरी बात उस इंसान के झूठ आपको बता देते हैं कि वो इंसान सच में कैसा है, और तीसरी बात चाहे वो हजार झूठ बोले कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको आके उसके बारे में ऐसी सच्चाई आपको बता देता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी यही ताकत है कि झूठा इंसान आपके साथ ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता। उसकी सच्चाई आज नहीं तो कल आपके सामने जरूर खुल जाती है। और सबसे बड़ा सच्चे प्रेम का फायदा बताऊं, आपको सच और झूठ की पहचान हो जाती है, आपको सही और गलत की पहचान हो जाती है। कई बार आपकी जिंदगी में कोई झूठा इंसान, कोई गलत इंसान आपको किसी सही इंसान की वैल्यू करना सिखा देता है, आपको किसी सच्चे इंसान की परवाह करना सिखा देता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। दुनिया में हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। अगर आपको दर्द भी मिला है ना, तो वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको कुछ बनाने के लिए मिला है। आप प्रेम से मत डरो, प्रेम ने आपको हर्ट नहीं किया, आपको झूठ ने हर्ट किया, आपको झूठ ने हर्ट किया है, आपको किसी के झूठे वादों ने हर्ट किया है, आपको आपकी ही की हुई झूठी उम्मीदों ने हर्ट किया है। ये जो कुछ भी होता है ना, इससे आप सीखें, समझें, ये इमोशनल पेन, ये भावनाओं की चोटें आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाने आती हैं, आपको कुछ बनाने आती हैं, ताकि आप अपना रास्ता निश्चित कर सकें कि आप जिंदगी में कैसा साथी चाहते हैं। तो सच्चा प्रेम आपको हमेशा एक लायक इंसान बनाता है। पता है जब इंसान सच्चे प्रेम में होता है ना, तो उसकी बुराइयां भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं, वो एक बेहतर इंसान बनने लगता है। मैंने पहले भी ये चीज कही है कि सच्चा प्यार हर्ट नहीं करता, झूठे लोग हर्ट करते हैं। और ये भी नहीं है कि दुनिया में सब लोग झूठे हैं, सब लोग झूठा ही प्यार करते हैं। माना कुछ लोग हैं दुनिया में जो प्यार की कदर नहीं जानते, जिनके लिए प्यार से बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं, पर दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें पता है कि प्यार क्या चीज होती है, जिन्हें पता है कि इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो आप प्लीज अपने माइंड से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें, ये मिसकंसेप्शन क्लियर करें। आपको किसी इंसान ने हर्ट किया है और आप सारा दोष प्रेम के ऊपर डाल देते हैं। प्रेम ने आपको हर्ट नहीं किया, किसी गलत इंसान ने किया है। एक बार आप रिश्तों में हार गए, प्रेम में हार गए, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सच्चा प्रेम ही नहीं है। अरे और सबकी छोड़ो, आपने तो किया ना सच्चा प्रेम, और आप जैसे हजारों लाखों लोग मुझे अपनी बातें शेयर करते हैं कि हमने सच्चा प्रेम किया। तो जो आप हजारों लाखों लोग मुझे अपनी बातें शेयर करते हो, आप सब लोग तो हो ना सच्चा प्रेम करने के लिए, आपका तो प्रेम सच्चा था ना। तो इससे यही साबित होता है कि दुनिया में सच्चा प्रेम करने वाले भी बहुत लोग हैं। बस गलती ये हो जाती है कि आपकी मुलाकात गलत लोगों से हो जाती है, झूठे लोगों से हो जाती है। पर आप किसी इंसान की गलतियों की वजह से प्रेम को दोष मत दीजिए, प्रेम को गालियां मत दीजिए। प्रेम तो पवित्र है, निर्मल है, गंगा जल की तरह। प्रेम तो परमात्मा की तरह पवित्र है। तो ये कभी मत कहना कि कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, और ये भी कभी मत कहना कि आजकल सच्चा प्रेम करना ही नहीं चाहिए। और अगर आप भी किसी के साथ झूठा प्रेम करेंगे तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा, आप भी फिर उसी के जैसे हो गए ना। आपके साथ चाहे जो भी हुआ, पर आप सच का दामन कभी मत छोड़ना। अगर आप सच का दामन पकड़ के रखोगे तो विश्वास रखना आपके जीवन में भी वो सच्चा प्रेम जरूर आएगा।